कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में धनतेरस का पर्व बहुत ही अहम, बहुत ही विशेष स्थान रखता है। प्रिय साथियों, धनतेरस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, धन को बढ़ाने वाला त्योहार धनतेरस, त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला त्योहार धनतेरस। प्रिय साथियों, धनतेरस के दिन विशेष रूप से आपको क्या कार्य करने चाहिए और हमारे सनातन धर्म में धनतेरस का पर्व क्या अहम स्थान रखता है और धनतेरस के दिन क्या क्या कार्य करने से घर में माता लक्ष्मी आती है और धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए, बाजार से क्या सामान खरीद कर घर लाना चाहिए जिससे घर में धन आए, पैसा आए, लक्ष्मी माता की कृपा आए, धनतेरस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, धनतेरस से जो जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट चीजें हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि धनतेरस पर्व के दिन क्या कार्य करने से घर में लक्ष्मी माता की कृपा होती है, क्या कार्य करने से घर में कभी पैसा खत्म नहीं होता, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जैसी जानकारी यहां ऐसी जानकारी और कहां। चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं मुनि शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आप सदा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास, कुछ नई जानकारी। हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए जो भी एपिसोड हम लेकर के आए उसमें ऐसी जानकारी हो जो आपके बहुत काम आ सके, आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो और आपको जो उपाय हम बताते हैं उन उपायों से आपको लाभ जरूर मिले, तभी हमारा वीडियो बनाने का पूर्ण उद्देश्य सफल हो पाता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको आज का यह एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो एपिसोड में अंत तक बने रहे ताकि एपिसोड का पूर्ण लाभ आपको मिल सके। तो चलिए मेरे प्यारे भक्तों, अब आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जो दर्शक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, बात कर रहे हैं धनतेरस के महापर्व के बारे में। साथियों, कार्तिक के महीने में हमारे सनातन धर्म के बहुत सारे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं, जैसे करवा चौथ, गोवर्धन, दिवाली, धनतेरस। तो इसलिए हमारे धर्म में कार्तिक मास का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। त्योहारों की ये जो पंच त्योहारों की सीरीज होती है, इसमें सबसे पहले धनतेरस, उसके बाद नरक चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इस तरह से ये सारे त्योहार एक साथ आते हैं और इन दिनों को सबसे ज्यादा शुभ, इन दिनों को सबसे ज्यादा पवित्र कहा गया है। प्यारे दर्शकों, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में पैसा हो, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में धन हो। हालांकि धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन से ही सब कुछ होता है। आज के समय में अगर आप कोई भी सामान लेने चले जाओ, बाजार में कुछ भी लेने चले जाओ, तो बिना पैसे के कुछ भी नहीं आता। तो साथियों, हम समय समय पर कोशिश करते हैं आपके लिए ऐसे उपाय लेकर के आए जो आपके पास धन को लेकर के आए, जो आपके पास पैसे को लेकर के आए। साथियों, साल 2021 में धनतेरस का महापर्व 2 नवंबर 2021 को मनाया जा रहा है। 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी का
महापर्व आ रहा है और धन त्रयोदशी का यह पर्व आपके जीवन में ढेर सारा धन लेकर के आए, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, ऐसी हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। तो चलिए अब आज के प्रयोग पर रुक कर लेते हैं। प्यारे साथियों, बात कर रहे हैं धनतेरस के बारे में। साथियों, धन को लेकर के आने वाली तिथि को धन त्रयोदशी कहा जाता है। धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी देव की पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। जी हाँ, धन त्रयोदशी का जो दिन होता है यह भगवान धन्वंतरी देव के निमित्त होता है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय 14 रत्न निकले थे, उनमें से भगवान धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए थे जिनके हाथ में अमृत का कलश था। जी हाँ, अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी देव भी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और धन्वंतरी देव को देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। डॉक्टर जो होते हैं हॉस्पिटलों में भी आपने धन्वंतरी देव की फोटो लगी देखी होगी, वो इसीलिए क्योंकि इन्हें वैद्य का दर्जा भी दिया गया है, देवताओं के वैद्य धन्वंतरी देव को कहा गया है। कहते हैं धन्वंतरी देव की पूजा करने से घर में कभी तो कोई बीमारी नहीं आती, किसी तरह का शरीर पर कोई रोग नहीं होता। अगर आप चाहते हैं आपको निरोगी काया की प्राप्ति हो, आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी देव की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। साथियों, इसके अलावा धन त्रयोदशी के दिन अगर आप भगवान कुबेर की पूजा करते हैं, वैसे आम तौर पर अगर आप पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन कुबेर भगवान की पूजा जरूर करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं जीवन में पैसा रहे, जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, धन कभी खत्म ना हो, तो धन त्रयोदशी के दिन भगवान कुबेर की पूजा जरूर करें। साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी की, माता महालक्ष्मी की पूजा करना भी विशेष लाभकारी होता है। धन त्रयोदशी के दिन जितना ज्यादा आप धन्वंतरी देव, भगवान कुबेर, महालक्ष्मी माता इनकी पूजा करते हैं, उतना ज्यादा आपके घर में धन आने लगता है, धन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। साथियों, अब बात करते हैं धन त्रयोदशी के दिन क्या वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यूं तो आम तौर पर धन त्रयोदशी को लोग कुछ भी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, कोई कुछ खरीदता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो वो तीन चीजें अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज, इस दिन अगर आप पानी का कोई बर्तन, जी हाँ कलश, फिर चाहे वह मिट्टी का हो, स्टील का हो या अन्य किसी धातु का हो, इस दिन कलश खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया है, धन्वंतरी देव अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे और ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो अपने घर में पानी का बर्तन लेकर के आता है, कलश लेकर के आता है, मानो अमृत उसके घर में आने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी अमृत रहे, लोगों में, परिवार में प्रेम रहे, आपके परिवार में कभी कोई किसी तरह का कलेश ना हो, परिवार में सुख शांति रहे, तो पानी का बर्तन किसी भी धातु का हो इस दिन खरीदना ही खरीदना चाहिए। अगली चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगली चीज है चांदी का सिक्का। जी हाँ, अगर आप इस दिन चांदी का सिक्का खरीद कर लेकर के आते हैं, अब यहाँ पर कई मान्यताएं होती हैं कि कई लोग पूछते हैं शास्त्री जी कैसा सिक्का हम लेकर के आए, क्या जिसके ऊपर लक्ष्मी माता या कोई चित्र छपा हो वो लेकर के आए। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप चांदी का कोई प्लेन सिक्का देकर के आते हैं वह आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। जी हाँ, क्योंकि चांदी का जो सिक्का है वह चांदी भगवान चंद्रमा का, चंद्रमा की धातु बताई गई है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अगर धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का आप खरीद कर लेकर के आते हैं तो ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा, आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं अगली चीज के बारे में, धनतेरस के दिन अगर आप बर्तन अपने घर में लेकर के आते हैं, जी हाँ, चांदी से बने हुए बर्तन, चाहे चम्मच हो, गिलास हो, कटोरी हो, इस दिन
एक चांदी का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से भगवान धन्वंतरी देव की कृपा तो आपको प्राप्त होती ही होती है, साथ में भगवान कुबेर और महालक्ष्मी माता की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो अगर चाहते हैं आप कि आपके घर में धनतेरस के दिन भगवान की कृपा आए, लक्ष्मी माता की कृपा आए, तो इस दिन चांदी से बना हुआ, चांदी की धातु से बना हुआ कोई ना कोई बर्तन खरीद कर अपने घर जरूर लेकर के आना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप धन त्रयोदशी के दिन इन सामान को खरीद कर अपने घर लेकर के आते हो तो आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, कभी भी किसी तरह का कोई संकट आपके परिवार पर नहीं होगा। साथियों, आने वाले धन त्रयोदशी के महापर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी का यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, सदा परम पिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक तो करना ही है, साथ में शेयर जरूर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और भगवान धन्वंतरी देव की कृपा आपके ऊपर बन रहे। जय माता की।